हेलो दोस्तों, डेरिवेटिव सीरीज का आज का सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बेसिक डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर दिखा था, वर्ल्ड में डेरिवेटिव कैसे आया, फिर इंडिया में कैसे आया, डेरिवेटिव का इनोवेशन के टाइम, एग्जिस्टेंस के टाइम क्या क्या केस रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से हमने तुलिप मानिया का केस दिखा था। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। सो डेरिवेटिव मार्केट में ये मेन फोर प्रोडक्ट्स दिखने को मिलता है, उनमें से हमारे लिए दो प्रोडक्ट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन दो बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। सो हम वन बाय वन उसके कंटिन्यूएशन पार्ट में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड इज ए टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन दी बायर एंड सेलर्स की कन्वीनियंस कंडीशन पे क्रिएट होता है। सो वी कैन से दैट इट्स ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन बायर एंड सेलर सेट द सर्टेन टाइप्स ऑफ कंडीशन। सो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि फार्मर का जो गेहूं का मतलब हार्वेस्टिंग होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टोर ओनर या तो मॉल ओनर के साथ, जब भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे फार्मर उसको सीधा डिलीवरी दे देता है। सो ऑन द बेस ऑन सर्टन कंडीशन वो टाइम पे एक रेट फिक्स हो जाता है कि आज के दिन में समझो गेहूं का रेट 20 रुपीस पर केजी है, तो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट समझो 17 रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट या तो 15 रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मॉल ओनर के साथ किया जाता है। वो टाइम पे शायद समझो रेट 12 रुपया होता है या तो 22 रुपया होता है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट 15 रुपीस में किया गया है। सो जिसको लेकर ऑन द हार्वेस्टिंग टाइम जो भी प्रोडक्शन आता है वो सीधा सीधा एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दोनों पार्टी के बीच एक समझौता होता है और उसके हिसाब से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिलअप होता है। क्योंकि ये बहुत काम का नहीं है तो हम इन डिटेल उसके रिगार्डिंग एग्जांपल में भी देखने वाले नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आप डेरिवेटिव मार्केट में वर्क करते हैं तो फॉरवर्ड इज ए वन काइंड ऑफ ए टूल या तो प्रोडक्ट। सो बेनिफिट वही रहता है, कन्वीनियंस कंडीशन रहती है, इजी टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। उसका डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क, समझो मॉल कीपर डिफॉल्ट कर देता है या तो लेना का मना कर देता है तो फार्मर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैच द डिमांड एंड सप्लाई, समझो मेरा एक मॉल है और मुझे 10 टन की रिक्वायरमेंट है और फार्मर के पास 12 टन की अवेलेबिलिटी आने का चांसेस है। सो कंडीशन या तो प्रोडक्शन और डिमांड दोनों को मैच करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नो इंटरवेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी यानी इस दो पार्टीज के बीच कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंट नहीं रहता है, जिसको लेकर एक रिस्क ज़्यादा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। क्योंकि एक सेम नेचर डिमांड वाला या तो सेम नेचर सप्लाई वाला एक ही पार्टी सर्च करना और दोनों के हिसाब मतलब ट्रेड करना एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे रिक्वायरमेंट है गेहूं की और मेरे पास राइस पड़े हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। सो सेम वे इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो हम देखते हैं व्हाट इज फ्यूचर। सो यहाँ आप देख सकते हो इट्स ए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट मेड टू द एक्सचेंज, बाय वे ऑफ एक्सचेंज वी आर गोइंग टू ट्रेड द फ्यूचर इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। सो नीड द मार्जिन, मार्क टू मार्केट मेंटेनेंस आपको समझो आपने कोई भी रिलायंस का फ्यूचर बाय किया 2500 रुपीस पे और उसका रेट 2400 आज के दिन हो गया, तो आपको 100 रुपीस का मार्क टू मार्केट जो भी लॉस है वो पेड करना पड़ता है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन यानी ये प्री डिसाइडेड है बायर एंड सेलर का, मतलब उसका प्री डिसाइडेड एक लॉट साइज रहती है, उसकी वैल्यू रहती है, उसकी एक्सपायरी डेट रहती है, स्ट्राइक प्राइस रहता है, उसका एक मार्जिन डिसाइडेड होता है, उसका टिक साइज रहता है। सो यहाँ आप देख सकते हो इट्स एन प्रोवाइड द लिवरेज यानी आप 1 लाख का मार्जिन पे करते हो तो आपको 5 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने को मिल सकता है। उसकी लॉट साइज फिक्स रहती है
सो यहां आप देख सकते हो इट्स इन कैश सेटल, आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इट्स इन कैश सेटल, या तो आप स्टॉक्स में कोई फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इट्स इन फिजिकल सेटलमेंट, एंड रोल ओवर इज पॉसिबल, आप मंथ के एंड पे रोल ओवर नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल ओवर कर देते हो तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हो. सो इट्स एन काइंड ऑफ एन सम सॉर्ट ऑफ एन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और ए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट वेर इन फ्यूचर यूज टू ट्रेड. नाउ व्हाट इज ऑप्शन, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग अ सेट. सो यहां आप देख सकते हो बायर के पास राइट रहता है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन रहती है. बायर ऑप्शन का प्रीमियम पे करता है, सेलर उसको ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करता है, उसके बदले में उसको ऑब्लिगेशन आता है. सो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में प्राइस, स्ट्राइक, प्रीमियम, अंडरलाइंग, टाइम, ऑप्शन, बायर, ऑप्शन राइटर, राइट एंड ऑब्लिगेशन आर द की टर्म्स आउट ऑफ दिस ऑप्शन डेफिनेशन. सो हम वन बाय वन उसको देखते हैं. तो यहां आप देख सकते हो व्हाट इज प्राइस, तो आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स और रेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स. रिलायंस का शेयर है 2500 पे ट्रेड हो रहा है, 2510 हो जाता है, 2490 हो जाता है, तो वो हम प्राइस बोल सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स. नेक्स्ट स्ट्राइक, यानी कॉल पुट की प्री डिसाइडेड स्ट्राइक रहती है डेरिवेटिव मार्केट में, सो हम उसको ऑप्शन स्ट्राइक बोल सकते हैं. स्ट्राइक ग्रेप, यानी दो स्ट्राइक के बीच, समझो निफ्टी आज 12,000 पे ट्रेड कर रही है, सो निफ्टी का ऑप्शन कॉल 12,000, 11,900, 11,800, 12,100, 12,200, सो 100 के गैप में अलग अलग स्ट्राइक अवेलेबल है जिसको हम स्ट्राइक ग्रेप बोल सकते हैं. नेक्स्ट है प्रीमियम, यानी जो भी ऑप्शन समझो निफ्टी 12,000 पे ट्रेड हो रही है, 12,000 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आज की डेट में 120 दिखने को मिल रहा है, सो प्रीमियम 120 इज द ऑप्शन प्रीमियम फॉर 12,000 कॉल. अंडरलाइंग, यानी निफ्टी स्पॉट हमारे केस में अंडरलाइंग बन जाती है, निफ्टी 50 यानी 50 स्टॉक्स की मूवमेंट के आधार पे एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं. इन 50 स्टॉक्स की मूवमेंट के आधार पर निफ्टी 50 यानी निफ्टी स्पॉट में मूवमेंट आती है, जिसको लेकर निफ्टी फ्यूचर में मूवमेंट आती है, और जिसको लेकर उसके अलग अलग ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट आती है. सो जिसको हम अंडरलाइन बोल सकते हैं, बेस्ड ऑफ द ऑप्शन कैन बी स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी. सो अलग अलग अंडरलाइन हमारे केस में हो सकती है. टाइम, यानी एक्सपायरी टाइम हर मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी डेट रहता है. मैंने एक वीक पहले या तो 15 दिन या तो 20 दिन या तो मंथ की स्टार्टिंग में जो भी टाइम पे और ऑप्शन का ट्रेड किया है बाय या सेल, तो मेरे पास टाइम टू एक्सपायरेशन एक डेज, सर्टन डेज रहते हैं, वो पहले से प्री डिसाइडेड रहते हैं. ऑप्शन बायर, हूँ बाइज द ऑप्शन, ऑप्शन सेलर, हूँ सेल द ऑप्शन. सो ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे करना रहता है, ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलता है. राइट ऑप्शन बायर के पास रहता है क्योंकि उसने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है, इसलिए उसका राइट बनता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करना कि नहीं करना. ऑब्लिगेशन ऑप्शन सेलर के पास रहता है क्योंकि ऑप्शन सेलर ने प्रीमियम कमाया है, सो ऑब्लिगेशन या तो हम बोल सकते हैं कि बायर के अनुसार उसको एक ऑब्लिगेशन या तो ओब्लाइज करना रहता है, उसका एक्ट बायर के राइट के डिपेंड पे रहता है और एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है. सो हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं स्वेप में. तो यहां आप देख सकते हो स्वेप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज द कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला. सो स्वेप ब्रॉडली स्पीकिंग इट्स एन सीरीज ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्वेप का जनरली यूज होता है टू मिटिगेट द रिस्क या तो टू डिग्रेड द रिस्क. काफी बार हमने इंटरेस्ट वोलाटिलिटी या तो करेंसी एक्सचेंज रेट या तो कमोडिटीज प्राइस को एक सर्टन पॉइंट पे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्वेप का यूज होता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट स्वेप, कोई भी बैंक ने समझो इंटरेस्ट लोन पे काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज को ऑफर की गई है, सो जिसको लेकर एक डिफॉल्ट रिस्क रहने का चांसेस रहता है. सो टू मिटिगेट सच द रिस्क
बैंक करती क्या है, दूसरी बैंक को एक स्वैप रेट पे उसको थोड़ा बहुत लोन ट्रांसफर कर देती है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ा समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस ले लिया है। अब उसको रिस्क आने लगा है कि अभी ड्यू टू इनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, जिसको लेकर कंपनी को एक डिफॉल्ट रिस्क रहता है। सो वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास वो री इंश्योरेंस लेती है, या तो उसका इंश्योरेंस है उसका अगेन इंश्योरेंस लेती है, जिसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं, यानी इट्स इन काइंड ऑफ इन स्वेप। अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स कौन से वर्क करते हैं, जिसको लेकर हमको आने वाले टाइम में हम जब भी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने वाले हैं, सो हमारे माइंड में मार्केट पार्टिसिपेंट रहना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या तो ट्रेड में कौन सा पार्टिसिपेंट एक्टिव है या तो कौन सा पार्टिसिपेंट का पलड़ा भारी है। सो हम पहले देखते हैं हु इज द हेजर। हेजर इज एन वन काइंड ऑफ एन पार्टिसिपेंट। सो हेज वर्ड इट सेल्फ शोस दैट टू मेक द बाउंड्री और डिसाइड द लिमिट, या तो हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं तो क्रिएटिंग द सेफ्टी इन अवर पोजिशन। हेजर की मेन ऑब्जेक्टिव रहती है अर्निंग सर्टन रिटर्न विथ मिनिमाइज ऑफ रिस्क, यानी उसका मोटिव रहता है वेरी शॉर्ट अर्निंग, यानी एक स्मॉल मार्जिन ऑफ अर्निंग करने का, जिसको लेकर उसका एक रिस्क भी बहुत लिमिटेड रहता है, जिसको लेकर आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह उसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत लेस रहता है। सो हेजर का मेन मोटिव रहता है प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल एंड अर्निंग द रिस्क सेवी रिटर्न, क्योंकि उसका जो रिटर्न अर्न करने का तरीका है वो 1-3% का ही रहता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव रहता है प्रोटेक्ट द कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो मार्जिन विद द लिमिटेड रिस्क। उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस रहती है, क्योंकि वो पूरी पोजीशन है वो रिस्क मैनेज पोजीशन है, जिसको लेकर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अ टाइम उसका एक जो कैपिटल प्रोटेक्शन है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका प्री डिसाइडेड लॉस रहता है। सो जिसको लेकर उसको मार्जिन में रिक्वायरमेंट लिमिटेड रहती है और उसका रिस्क भी लिमिटेड रहता है, तो सामने रिटर्न भी लिमिटेड मिलता है। बिग इंस्टीट्यूशन एंड फंड हाउस हम बोल सकते हैं कि मेनली हेजर का रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे डेरिवेटिव ट्रेडर भी आजकल हेजिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी के रूप में हमको ट्रेड करने को दिखने को मिलता है। उसकी हम फ्यू स्ट्रेटेजी की हम एक ग्लांस करें तो बाइंग अ पुट एंड बाइंग अ फ्यूचर इट्स एन काइंड ऑफ हेज स्ट्रेटेजी वेयर इन जस्ट द रिस्क ऑफ प्रीमियम ऑफ द पुट, क्योंकि अप चला जाएगा तो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगा तो हमको फ्यूचर में लॉस होगा, तो सामने पुट में प्रॉफिट होगा। सो ये स्ट्रेटेजी में हमको सिर्फ पुट का लॉस प्रीमियम का रहता है। नेक्स्ट है सेलिंग द फ्यूचर एंड बाइंग द कॉल ऑप्शन। सेम वे हमको अपर साइड में फ्यूचर में लॉस होता है तो हमको कॉल में प्रीमियम कॉल बाइंग में प्रॉफिट होता है, डाउन साइड पे हमको प्रॉफिट मिलता है। सो यहाँ हमको कॉल प्रीमियम का लॉस रहता है। सेम वे यहाँ अलग अलग स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, स्प्रेड बॉक्स कैलेंडर रोल ओवर। सो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ स्टार्टिंग के एक सेकेंड सीरीज के वीडियो में हम सिंपली एक अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इस मार्केट में एक हेजर के रूप में एक पार्टिसिपेंट बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्युलेटर की। तो यहाँ आप देख सकते हो स्पेक्युलेटर का मेन मोटिव रहता है प्रिडिक्ट द मार्केट, प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट बेस्ड ऑन द व्यू टेक द पोजिशन इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव आर द प्रिफर्ड ओवर द अंडरलाइंग असेट फॉर ट्रेडिंग पर्पज एज दे ऑफर द लिवरेजिस आर द लेस एक्सपेंसिव। सो बेसिकली स्पेक्यूलेटर का मेन या तो ट्रेडर का मेन मोटिव, उसका मेन मोटिव है मार्केट को प्रिडिक्ट करना, उसके अनुसार उसकी पोजिशन सेटअप करने का रहता है।
सो मार्केट में एक बड़े लोल पे हम बोल सकते हैं कि स्पेक्युलेटिव एक एक्टिव ट्रेडिंग हमको दिखने को मिलता है, जिसको लेकर एक ट्रेडिंग में हमको एक बड़ा बेनिफिट या तो कोटेशन का बेनिफिट हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेक्युलेटर का जो बेनिफिट या तो उसका इंटेंशन बड़ा पैसा अर्न करने का रहता है, उसका रिस्क ज्यादा रहता है, उसके सामने उसका रिटर्न का चांसेस भी ज्यादा रहता है। स्पेक्युलेटर के हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो यस बैंक का एफपीओ का अनाउंसमेंट होने के पहले पहले हमको एसएलबीएम के अंदर 2-3 दिन में करोड़ ऑफ दी वॉल्यूम दिखने को मिला था। सो हम बोल सकते हैं कि स्पेक्युलेटर इट्स एन पावरफुल एंटिटी या तो पावरफुल पर्सनालिटी, उसको पहले से मार्केट का इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसके अनुसार उसकी पोजीशन बनाने में वो एक्टिव हो जाते हैं। जीएमएम के रिसेंटली ओएफएस के जरिए आपको पता होगा कि एक बड़ा डिस्काउंट 30-35% का हेवी डिस्काउंट कंपनी ने एक 17.6% का एक स्टेक सेल दिखने को मिला था, जिसको लेकर एसएलबीएम के जरिए 2-3 दिन पहले मतलब अनाउंसमेंट करने के पहले पहले काफी बड़ा वॉल्यूम एसएलबीएम में दिखने को मिला था। सो वो टाइम पे स्पेक्युलेटर एक्टिव हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये न्यूज आने वाला है, या तो शायद वो भी हो सकता है कि कंपनी का ये क्लोज एंटिटी हम बोल सकते हैं। सो स्पेक्युलेटर की हम एक्टिविटी ट्रैक करते हैं तो हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में मिल सकती है। सो जनरली स्पेक्युलेटिव ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही बनाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेक्युलेटर जब भी बड़ी पोजीशन करता है तो उसको कहाँ ना कहाँ न्यूज उसके बारे में मिल गया होता है। सो इस दो केस दो एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हो कि मार्केट का डेटा ऑलरेडी लीक हो गया होगा। हम बात करते हैं ट्रेडर की तो यहां आप देख सकते हो ट्रेडर इज अ पर्सन हु ट्रेड बेस्ड ऑन द चार्ट रीडिंग और अ मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स। सो मेनली ट्रेडर का एक छोटा नजरिया से ट्रेड होता है, जहां आप देख सकते हो उसका एक लेवल रहता है, सपोर्ट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्रेड बोल सकते हैं बाय द एसबीआई एट द रेट 190, एसएल 185 का टारगेट 193, 197, 202। सो इट्स एन काइंड ऑफ एन ट्रेडर ट्रेड, जहां ट्रेडर को एक स्टॉप लॉस रहता है, एक टारगेट रहता है, उसकी अवधि 1-2 दिन की रहती है, काफी बार इंट्राडे में भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। सो ट्रेडर का जो वॉल्यूम रहता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेजर की तो आर्बिट्रेजर का मेन मोटिव मार्केट को स्टेबल रखना है, परफेक्ट रखना है। प्राइम उसका मोटिव वही है कि मार्केट की जो प्राइस है इम्परफेक्ट प्राइस को परफेक्ट करने का है। जब भी दो एक्सचेंज पे अलग अलग प्राइस सेम कमोडिटी या तो सेम स्टॉक का चलता है तो वो टाइम पे एक एक्सचेंज में समझो एनएससी और बीएसई दो एक्सचेंज है, जहां रिलायंस का रेट 2500 एनएससी पे चल रहा है, 2510 बीएसई पे चलता है, तो वो स्टॉक्स एनएसई में बाय करता है और बीएसई में सेल कर देता है। सो आगे जाके होता क्या है कि दोनों एक्सचेंज में 2505 का रेट डिस्कवर हो जाता है। सो मेनली आर्बिट्रेजर का प्राइम मोटिव रहता है मार्केट को परफेक्ट रखने का। ज्यादातर उसका वॉल्यूम मार्केट में दिखने को मिलता है क्योंकि उसका जीरो रिस्क गेम रहती है। एक एक्सचेंज में सेम कमोडिटी सेल की है, दूसरे एक्सचेंज में सेम कमोडिटी या तो स्टॉक्स या तो अंडरलाइन बाय की हुई है। सो केस टू केस यानी एनएसई में केस बाय, बीएसई में केस सेल, या तो केस एनएसई में बाय करता है और एनएसई में फ्यूचर सेल कर देता है। सो उस बेसिस पे उसका पूरा पूरा वर्क रहता है। सो आर्बिट्रेजर की हम मेन बिग इवेंट बोलते हैं तो आईपीओ, ओएफएस, स्टेक सेल, एफपीओ, बिग वोलेटिलिटी न्यूज, इवेंट पे, बजट पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, कोई अनसर्टेन इवेंट बन जाती है तो वो टाइम पे उसका मेन आर्बिट्रेज एक्टिविटी का स्कोप मिलता है। डिविडेंड स्पेशल अनाउंसमेंट होता है तो वो टाइम पे भी आर्बिट्रेजर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखने को मिलती है। अर्लियर देर वॉज अ वेरी बिग अर्निंग अपॉर्चुनिटी, बट नाउ ड्यू टू द अल्गो डेवलपमेंट
एक गैप जो एक्सचेंज पे चलता था वो आज की डेट में दिखने को मिलता नहीं है। सो मेनली आपको देखना वही है कि कोई भी स्टॉक्स में आप देखते हो तो पहले आपको वही देखना है कि हेजर की पोजीशन है, स्पेकुलेटर की पोजीशन है या तो आर्बिट्रेजर की पोजीशन है। आप वो पोजीशन किस बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, आपको सिंपली फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखना है, अलग अलग कॉल और पुट दोनों साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना है। सब हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, बट एज ए हिंट आज के दिन हम पोजीशन डिकोडिंग करते हैं हेजर की, तो हमको एक हेजिंग के जरिए फ्यूचर में एक पोजीशन दिखने को मिलती है तो सामने ऑप्शन में सेम पोजीशन रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो ट्रेडर की पोजीशन रहती है तो उस जगह पे भी काफी बार फ्यूचर में बाएंगे तो वो टाइम पे पुट में भी बाइंग दिखने को मिलेगा। सो आपको देखना वही है कि मेनली स्टॉक्स में हेजर है, स्पेकुलेटर है या तो आर्बिट्रेजर है, जिसकी मदद से हम आगे जाके पोजीशन बिल्ड करके एक अच्छा से अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की डेट में आज की इस डेरिवेटिव सेकंड सीरीज वीडियो के जरिए हमने डिस्कस किया व्हाट इज फॉरवर्ड, व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज स्वैप, पार्टिसिपेंट ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हमने देखा स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर एंड हेजर और ट्रेडर। सो जिस फोर कैटेगरी की मदद से हम हमारी पोजीशन में इजीली डिकोडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डेरिवेटिव, मतलब इंपोर्टेंस डेरिवेटिव का क्या है टू इम्प्रूव द प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इजी हो जाती है एक अच्छे रेट पे, डिमांड सप्लाई की एक ऑर्गेनिक डिस्कवरी हमको दिखने को मिलती है। ट्रांसफर द वेरियस रिस्क, समझो मैं हेजर हूँ, मेरे को रिस्क नहीं लेना है तो मैं मेरी पोजीशन में कॉल पुट कुछ भी बाय करके या तो फ्यूचर का कुछ भी हम हेल्प लेके मेरा रिस्क एक ट्रांसफर कर सकता हूँ टू द ट्रेडर और ए स्पेकुलेटर। ऑर्गेनाइज मार्केट का एक डेवलपमेंट होता है, काफी बार हमको डब्बा ट्रेडिंग दिखने को मिलता है जहां डब्बा ट्रेडिंग में आप कोई भी एक साइड का ट्रेड ले सकते हो, जहां आपको ऑप्शन बाय और फ्यूचर बाय या तो पुट बाय ऐसा दो दो ट्रेड एक ही जगह पे नहीं दिखने को मिलता है। सो ऑर्गेनाइज मार्केट का एक डेवलपमेंट होता है जिसको लेकर काफी सारे एट्रैक्शन मार्केट में पार्टिसिपेंट को मिलता है, जिसको लेकर एक अच्छी से अच्छी सिस्टम हम इंडियन स्टॉक मार्केट में डेवलप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में ये जो टॉपिक का हमने डिस्कशन किया हुआ है, आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी समझनी है, उसका इंपॉर्टेंस समझना है। आप समझो SLBM की डेली बेसिस पे एक्टिविटी ट्रैक करते हो तो आपको दो तीन दिन पहले ही पता चल जाता है कि इस काउंटर में कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पे उसका वॉल्यूम 10,000 का रहता है तो आज अचानक से 50,000 लाख की क्वांटिटी ट्रेड होने लगी है तो कुछ ना कुछ उसमें न्यूज आने का चांसेस ज्यादा है। सो आने वाले टाइम में हम आगे के वीडियो में देखेंगे व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका मार्केट कैप कैसे डिसाइड किया जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आज का ये सेशन ये समाप्त करते हैं।